Hello my dear students, today we are going to learn English 2 chapter number 20 composition. My dear students, हमारे first semester में total 1 to 9 chapter आएंगे जो हमारे already complete हो गए हैं. Yes, और दूसरा क्या आएगा? Chapter number 19 reading comprehension. ये reading comprehension में दो passages है, उसमें से फर्स्ट पैसेज है अली गोज टू द जू. वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाया. यस, उसमें हमने क्या किया था? पूरा पैराग्राफ रीड किया और उसके ऊपर से हमने एमसीक्यू कंप्लीट किए और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे थे. यस, अब दूसरा है चैप्टर नंबर 20 कॉम्पोजिशन. ये कॉम्पोजिशन में टोटल 4 कॉम्पोजिशन है, उसमें से फर्स्ट 2 कॉम्पोजिशन है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा. उसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ, जो आज हम वो कंप्लीट करने वाले हैं, और दूसरा कॉम्पोजिशन है पिक्चर कॉम्पोजिशन. इज इट क्लियर? ओके, और बाकी के 2 कॉम्पोजिशन जो बाकी बचेंगे वो सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा. ओके, तो टोटल 1 to 9 चैप्टर. चैप्टर नंबर 19, उसमें फर्स्ट पैसेज अली गोज टू द जू, उसमें पैराग्राफ रीड करना है और उसके ऊपर से हमें एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं. और है चैप्टर नंबर 20 कॉम्पोजिशन, उसमें टोटल 4 कॉम्पोजिशन है, उसमें फर्स्ट 2 कॉम्पोजिशन है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आएंगे और लास्ट 2 कॉम्पोजिशन है वो सेमेस्टर 2 में जाएंगे. तो आज हम कंप्लीट करेंगे इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ, और दूसरा कॉम्पोजिशन है पिक्चर कॉम्पोजिशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ओके, तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ. इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ में यहाँ पे पहले तो आपको क्या करना है? पेस्ट योर पिक्चर हीयर, मीन्स आपको आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपका फ़ोटो स्टिक करना है. आपका पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो यहाँ पे आपको क्या करना है? स्टिक करना है. ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, यहाँ पे सारी ब्लैंक्स दी गई है, उसमें आपको क्या करना है? आंसर लिखना है और आपको योर माई सेल्फ कंप्लीट करना है. फिल इन इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ. ओके, यहाँ पे लिखा है माई नेम इज़, आई एम ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, आई एम इन क्लास, माई फादर्स नेम इज़, माई फादर्स मोबाइल नंबर इज़, माई मदर्स नेम इज़, माई मदर्स मोबाइल नंबर इज़, एंड लास्ट है माई एड्रेस इज़. ओके, तो ये आपको पूरा माई सेल्फ कंप्लीट करना है, मीन्स इसमें जो जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें आपको आंसर लिखना है. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट, माय नेम इज़ जियान, मैंने यहाँ पे जियान लिखा है, बट आपको क्या लिखना है? आपका नाम लिखना है. ओके, आपका नाम क्रिया है, देवम है, प्रणव है, प्रथम है, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस बनेगा माय नेम इज़ जियान. ओके, सेकंड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड. थर्ड, आई एम इन क्लास फर्स्ट, आई एम इन क्लास फर्स्ट. आप सब फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही हो अभी, यस हो ना? तो यहाँ पे आपको लिखना है आई एम इन क्लास फर्स्ट. फिर है माई फादर्स नेम इज़ अतुल भाई, मैंने यहाँ पे अतुल भाई लिखा है, बट आपको यहाँ पे आपके पापा का नाम लिखना है. ओके, जिग्नेश भाई, ओके, राहुल भाई, मनोज भाई, वॉट एवर आपके पापा का नाम जो है वो आप यहाँ पे लिखना. तो आप क्या लिखोगे? माई फादर्स नेम इज़ अतुल भाई. ओके, माई फादर्स नेम इज़ जिग्नेश भाई, माई फादर्स नेम इज़ हितेश भाई. ओके, जो भी आपके पापा का नाम है वो आप यहाँ पे लिख देना. फिर नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर, माई फादर्स मोबाइल नंबर इज़, मैंने यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, बट आपको यहाँ पे आपके पापा का मोबाइल नंबर
लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ब्लैंक रखा है, बट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपके फादर का मोबाइल नंबर लिख देना है, जो सबको याद ही होगा, है ना याद। यस, मम्मी का और पापा का मोबाइल नंबर तो सबको याद होना ही चाहिए। ओके, और वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, किसका लिखना है, फादर्स मोबाइल नंबर। ओके, फिर सिक्स नंबर, माय मदर्स नेम इज रिया बेन, यहाँ पे मैंने लिखा है रिया बेन, बट आपको क्या लिखना है, आपकी मम्मी का नेम। ओके, नीता बेन, सीमा बेन, जो भी नाम है आपकी मम्मी का, वो नाम आप यहाँ पे लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, माय मदर्स नेम इज रिया बेन, माय मदर्स नेम इज संगीता बेन, जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आप यहाँ पे लिखना। ओके, फिर है माय मदर्स मोबाइल नंबर इज ब्लैंक, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपके मम्मी का मोबाइल नंबर, सबको याद है ना, यस, तो आपको यहाँ पे आपकी मम्मी का मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। फिर माय एड्रेस इज, वो भी मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे देखो, बट आपको यहाँ पे आपके घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपके घर का एड्रेस, अब वो आप कैसे लिखोगे, सपोज़ आप फ्लैट में रहते हो, आप फ्लैट में रहते हो तो आपका विंग होती है ए बी सी डी ई, वैसे विंग होती है, तो आपको क्या लिखना है, सपोज़ आप ए विंग में रहते हो तो यहाँ पे ए, फिर आपके फ्लैट का नंबर, आपके घर का नंबर, सपोज़ आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, उसमें आपका फर्स्ट फ्लैट है, तो आपको लिखना है 301 आपका घर नंबर है, तो ए विंग 301 वो आपके घर का नंबर, कॉमा, फिर यहाँ पे आपकी रेसिडेंसी का नेम, सपोज़ आप रहते हो राधे रेसिडेंसी में, तो यहाँ पे लिखना है राधे रेसिडेंसी, ओके, कॉमा, फिर यहाँ पे जो एरिया है वो कतारगाम, वराचा, अमरोली, जहाँ पे भी वो आपका एरिया है वो, फिर कॉमा करके सूरत, और यहाँ पे आपका एरिया, सपोज़ आप कतारगाम में रहते हो तो यहाँ पे लिखना है कतारगाम सूरत। ओके, यस, याद रहेगा, पहले आपकी विंग का नेम, सपोज़ आप ए विंग में रहते हो तो ए, फिर आपका घर का नंबर, फिर यहाँ पे आपकी रेसिडेंसी का नेम, सपोज़ राधे रेसिडेंसी, हरिओम रेसिडेंसी, जो भी आपकी रेसिडेंसी है उसका नेम। ओके, फिर आजू बाजू कोई ऐसा है, सर्कल है, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना है, आप जो भी सर्कल नज़दीक आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, कि नियर दिस सर्कल या तो ऑपोजिट दिस, ओके, वो आप लिख सकते हो, फिर यहाँ पे उसका एरिया, कॉमा करके सूरत, फुल स्टॉप। ओके, तो और आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में भी ए बी वैसे पार्ट होते हैं, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, सोसाइटी में ए पार्ट है, बी पार्ट है, तो आप वैसे लिख सकते हो, और फिर कॉमा करके वो सोसाइटी का नाम, फिर उसके आजू बाजू में मीन्स आपका जो नज़दीक लगता है वो आप एड्रेस में लिखते हो, तो वो, फिर एरिया, देन सूरत, देन फुल स्टॉप। ओके, तो ऐसे आपको पूरा एड्रेस लिखना है, और ये आप याद रखना है कि आप जब भी एड्रेस लिखो तो आप ऐसे ही लिखना, ठीक है, यस। तो पूरा समझ में आया, आज हमने क्या कंप्लीट किया, चैप्टर 20 कॉम्पोजिशन, यस, इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ। तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है वो स्टिक कर देना है, और ये पूरा माई सेल्फ आपको लिख के कंप्लीट करना है, ठीक है। और हाँ, आपके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप क्या करोगे, नोटबुक के अंदर ऊपर हेडिंग लिखना है, क्या हेडिंग लिखना है, चैप्टर 20 कॉम्पोजिशन इंट्रोडक्सिंग माई सेल्फ, ऐसा हेडिंग लिखना, फिर आपको आपका या उसमें नोटबुक में आपका फ़ोटो स्टिक करना है, और नीचे ये 8 सेंटेंसेस मीन्स पूरा माई सेल्फ लिख देना है। ओके,
होगा ना? यस, तो ये पूरा लिखना है, लर्न करना है और आपको याद भी रखना है, जब भी एग्ज़ाम आएगी तो एग्ज़ाम में भी ये आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।